अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। इसे लेकर तमाम तरह की सियासी अटकलें चल रही हैं। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से चुनाव लड़ने की मांग की है। बता दें कि अमेठी और गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से चुनाव लड़ाने की मांग की गई है। पोस्टर में लिखा गया है कि अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा आपकी बार। वहीं अब इसे लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हमलावर हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि एक बात की चिंता की है कि राहुल गांधी को कुछ पता हो या नहीं, लेकिन उनके जीजा जी को जगदीशपुर का पता है। जगदीशपुर के लोगों को अब सावधान रहने की जरूरत है। अगर उनके जीजा जी को जगदीशपुर पता है तो हर गाँव, हर घर, हर व्यक्ति को अब अपनी संपत्ति के कागजात छुपाने की जरूरत है। हम भगवान जी से कह प्रधान जी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर एक भी अपना प्रतिनिधि बिना आपा खोए इसलिए नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि अगर राहुल गांधी से आज पूछ लिया जाए कि डोमा डी कहाँ है और डी ब्लॉक कहाँ है, तो अंतर नहीं बता पाएंगे। आज अगर राहुल गांधी से पूछ लिया जाए कि भेटुआ कहाँ है, भादर कहाँ है, वो नहीं बता पाएंगे। आज अगर राहुल गांधी से पूछ लिया जाए इन्होना कहाँ है, पर होना कहाँ है, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन चिंता करने की एक बात जरूर है प्रधान जी, राहुल गांधी को कुछ आए या ना आए, उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुन लिया है। इससे जगदीशपुर की जनता तो सावधान हो जाए। अगर जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा लेते हैं।